Hi teachers, we are. I'm Sofia And I'm Sonia. And we are back again, and this time with a reaction from a suggestion from you. And this is The Man Who Tried, Shah Rukh, Mashup 2023, Tribute to SRK, SRK Squad. Okay. So this is from the channel SRK Squad, and this is a tribute to Shah Rukh, and we like Shah Rukh a lot, so here we are. So let's go? Yeah. One, two, three. No. मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था जो गोल मार्केट में था मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों का एक्टर बनूंगा मेरे जो फादर थे बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर इंडिया के जहां तक मेरी मालूमात है यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे तो मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था ही जस्ट केम होम वन डे एंड ही सेड आई हैव कैंसर मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत खराब हो गई उनको सदमा पहुंचा After he died, my mother, the enthusiasm and the energy that my mother had to earn money so that, you know, she could look after us and educate us. Aur phir ek play hua Lady Shri Ram College ke andar, in which Annie gives it those ones. And then a few years later, we kind of started coming to grips with it. And then my mother died of a similar disease. Aur meri life ka sabse bada dukh ye hai कि मेरी माँ ने ना मेरा टीवी का कोई शेड देखा ना मेरी कोई फिल्म कोई देखी तो उससे पहले वो चल बसे फौजी सीरियल आया वो पॉपुलर हो गया लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय फिर एक ऑफर आया सीरियल का उम्मीद वो किया और सर्कस के बुरा हाल है सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू एक्ट इन फिल्म्स इट वाजंट आउट ऑफ एनी क्रिएटिव डिजायर इट वाज प्योरली आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर एंड पॉवर्टी When my mother died, मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं एक साल के लिए मुंबई आऊंगा मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई है थोड़ा सा दुख है जाके आ जाऊंगा वहां से और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी तुम बहुत अगली हो तुम्हारी नाक खराब है तुम इतने लंबे नहीं हो और तुम सांवले रंग के हो तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे मुंबई में दीवानों की तरह स्ट्रगल करने के बावजूद शाहरुख को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था Everybody used to tell me, what name you have done? फिल्म में कोई डर फिल्म होती है फिर आया नेगेटिव रोल जिसे कई एक्टर्स ना कर चुके थे उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट बहुत रिस्की है मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आई साइंड वर डिस्कार्ड्स ऑफ बेटर नोन एक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स कुड नॉट फाइंड एनीवन एल्स टू डू देम द रे ब्रोस दिस एक्टर शाहरुख खान जैसे कहानी कंप्लीट हो ना तो हमको उठ के दोनों को गले लगाया बोला क्या बात है क्या कहानी मैं करता हूं इट्स ट्रेडिशनली The leading man is the leading man. You don't go around killing the leading lady. मुझे माफ कर देना. They had to have trials in those days to show the distributors. We were all standing there to see what the reaction was, and people would like just call it patli gali in those days. हाँ अच्छी पिक्चर अच्छी पिक्चर. The producer at one point in time was in deep depression. Movie's got a bomb. Nobody's going to give me any money. Premiere पे मेरे साथ रतन जैन मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बाजीगर बनाई थी. उन्होंने पिक्चर देखी. ऐसा मुझे रतन साहब ने कहा. यार शाहरुख की बात में सुपर पिक्चर है तू नहीं होता ना इसमें तो सुपर हिट थी पिक्चर और ठीक है ना यार नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता है लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है वो मैं नहीं मार सकता वो मैं करता रहूंगा नो प्लेस टू लिव मुझे किराए का घर लेना पड़ा आई डिडंट नो व्हाट विल हैपन वंस माय फिल्म्स कम आउट वुड आई मेक इट एज एन एक्टर वुड आई बी एबल टू लिव हियर एंड शाहरुख वाज एब्सोल्युटली सो कॉन्फिडेंट दैट यू नो एवरीथिंग वाज ओके बिकॉज़ ही वाज एन एक्टर ही वाज फुली कॉन्फिडेंट ऑटो के अंदर एक दिन हम दोनों जा रहे थे बोला गुड्डू देख 5 पिक्चरें कर रहा हूँ छठी तेरी है अगर चला तो रुकूंगा नहीं तो दिल्ली वापस हमने जब थिएटर में बैठे शाहरुख उतर के नीचे से जा रहा है तो लोग सीटियां क्लैप मार रहे थे मतलब ये क्या रिएक्शन है तो अजीब आया कमाल है इट ब्रोक द सेट फार्मूला आई डोंट थिंक आई हैव डन इनफ वर्क इट्स जस्ट बीन 5 इयर्स आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज एन एक्टर एंड एज अ स्टार जो भी चाहो वो मैं पाऊं ही इज माय फेवरेट मिस्टर शाहरुख खान First time I'm getting an award, a major award in the film industry. This one's for you, ma'am. Thank you very much. I work hard on this and prove myself to be a genuine superstar. मैं कभी comparison नहीं करता. What is better is to say that you are the best, not bother about others. आप greatest हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा better हूँ. And I will try my best to be here every year, that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. The most powerful man in the film industry today.
Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. Duniya ke sabse bade film star. Kashmir se Kanyakumari tak, India's favorite star. An unstoppable living legend. Perhaps the world's biggest movie star. Is your competition also younger actors? I've not come here to compete. I've come here to rule. So this is my path now, that I'm going to be an action hero. Shah Rukh is a really soft and really nice guy. But he pretends to be this macho and he likes the action and he likes you. But he's actually not that. And somewhere, very quietly, without me realizing it, converted me into a lover. Koi baat nahi, senorita, koi baat nahi. Bade bade desho mein aisi choti choti baatein hoti rehti hain. According to me, Hindi cinema is before Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and after Dilwale Dulhaniya. और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करते हैं। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं इन दिस कंट्री A superstar will only be that person who will be every mother's son, every sister's brother, every college girl's fantasy. And he used to always say this, your eyes have something that cannot be just wasted on action. Ek sach jise mujhe sabr ke barsaat lekar jeena padega. Marne se pehle ek baar tumhari chaukat par zarur aao. Babuji ne kaha gaon chhod do. Sab ne kaha paaron ko chhod do. Paaron ne kaha sharab chhod do. नाम तो वही है जो हमेशा शांति से चुरा रहता है और शांति से पहले शांति के बाद और लिखा है ऐसा तो नहीं था कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी अब तो जय कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ नसरुन मिन अल्लाह वफतहु करीब लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या बोलो कल होना माय ओनली बेस्ट फ्रेंड करेक्ट सुपर अ सीन कम्स विद मी लिव्स इनसाइड देन आई एक्सपोज इट टेक इट आउट एंड देन गोज विद इन आई लीव अ पार्ट ऑफ मी इन इट आई कांट एक्सप्लेन इट इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ माय सेल्फ एंड आई नो आई हैव लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ माय सेल्फ टुडे It is very lonely at the top. जब भीड़ में आदमी चलता है, तो साया भी साथ छोड़ देता है। So you have to be lonely when you try to be successful. I'm not confident at all. I'm a very shy person. I lose confidence many a times in a day. I'm the best. I am the best. मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ, लोग समझते हैं कि मैं arrogant हूँ। It's meant to convince me. In spite of knowing that everybody is better than you, you have to wake up with the confidence कि I'm the best today and I will do my best. मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा भाई। एक्चुअली मुझसे ज्यादा अगर मेरी फैमिली ट्रबल में हो तो तुम हो करेक्ट वो तो नहीं लेकिन वो अपना भाई है ऊपर वाले ने उनको इतनी इज्जत दी है इतना नवाजा है ही इज अ किंग एंड दे शुड बी द किंग कीप हिम देयर एंड दैट्स व्हाई कीप गोइंग बिकॉज़ द वीकर यू आर द स्ट्रॉन्गर यू कैन बिकम शाहरुख कैन स्पॉइल यू एज अ डायरेक्टर ही इज कांस्टेंटली ट्राइंग टू इंप्रोवाइज उसमें इतनी रेंज है वहीं के वहीं जहाँ नरेशन हुआ तो वहीं से सीन्स परफॉर्म करके दिखाने लगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डायरेक्टर के लिए डिलाइट है लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं जी The amount of energy that he puts into a role. Energy, I'm not talking physical stuff. I'm talking the mental energy. What could happen? What could he do here? What would happen things like that? Outstanding. He's got a very attractive energy. He's very charming. Diljit Lita Wap. Have you disguised yourself to avoid attention? All my life I have worked so that I can be recognized. No, I don't want to have a disguise so that I don't get recognized. He really honestly, passionately wants to do better, wants to do more. Shah Rukh Khan is my inspiration. Yeah, I'm a fan of Shah Rukh. And one of the finest and fascinating actors India's ever seen. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Shah Rukh.
In whatever way I can, make people proud of the fact that they like me so much. Have you ever planned to work in Hollywood? I want to leave something in this film industry which is beyond films, which takes our films worldwide. एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में और फिर उसने अपनी दुनिया खड़ी की अपने लिए इतना बड़ा नाम इज्जत बनाए Whatever I know because of the dignity of women that have surrounded me and taught me and I want to do something for women we have a small organization और आप लोगों के साथ जो हुआ है उससे बड़ी तकलीफ शायद ही दुनिया में कोई हो इस तकलीफ के बावजूद भी आप लोग जो है इतनी हिम्मत से और इतने स्माइल्स जो हैं आपके इतने प्योर और मुझे इतनी खुशी देते हैं मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूं आई लव यू मोर देन द वर्ल्ड सर कैन आई टच यू डिंपल हां कैन आई टच यू डिंपल या या आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डूइंग वर्क इन इंडिया एंड होपफुली टेक इंडियन सिनेमा टू द वर्ल्ड दैट्स द एंबिशन आई हैव लेकिन मेरे दिल में बात यह है मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊं दैट आई वुड लाइक द स्क्रीन टू गेट बिगर कि मेरी माँ जो है वो हेवन से मुझको देख सके वो कितना नीचे चला गया था और कितनी ऊपर पहुंचा ही इज समवन दैट यू शुड ओनली हैव रिगार्ड फॉर गो टू द मूवीज एंड अपलॉड एक्टर्स लाइक शाह रुख खान क्लासिक इंडियन फिल्म्स लाइक DDLJ हु इज योर फेवरेट एक्टर Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. King of Bollywood, Shah Rukh Khan. Giant movie star. Iconic people such as Shah Rukh Khan. No, Shah Rukh Khan is an incredible guy. Shah Rukh Khan. I mean, Shah Rukh Khan's the biggest, isn't it? जब बनना चाहते हैं, तब मेहनत करते हैं। बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। Upcoming जो आपकी movies हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तभी acting करता हूँ जब मेरे दिल में आता है। तो इस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा। Age आ गई है, downfall हो रहा है, अलग तरह के roles हैं। जैसे अब Shah Rukh Khan में बात नहीं रही। And I wake up every morning with this fear that is there going to be a day when I'll get up and I'll have nothing more to give? Will there be a day when I'll be completely hollow and empty? And it will happen one morning. It will happen like death. And people will say, he was a very good actor. एक बार clear मतलब बोलना चाहिए ना कि क्या बोलूँगा मैं बताती हूँ कि मैं देशभक्त हूँ लेकिन अपने दिल की बात जो है It is sad for anyone to have to say that, Anuradha. I'm not going to sit down and tell people every time that I'm patriotic and I'm an exactly. Indian. And with great pride, and I will not give proof of this because of some stupid people. Shah Rukh Khan has not signed any film. Who Shah Rukh Khan is? A star who reinvented himself and came back with a bang? Or a star that is sadly way past his prime? Mom, Dad, I made it very big. And I wish you were here to see this. सिवाय मेरी माँ के कोई नहीं मानता था कि मैं एक्टर बनूंगा पर वो हैदराबादी में बात करती थी इनो ना बिल्कुल दिलीप कुमार है मैं कहती हूँ ये दिलीप कुमार बनेंगे बड़े होकर बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में उसके आईसीयू में थी मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो अल्लाह मियाँ जो हैं सुनते रहते तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए कितनी मेहनत की मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप जो हैं इतनी छोटी उम्र में चल बसे और मैंने इस दुख के बावजूद जिंदगी जीना सीख लिया कभी कभी सोचता हूँ आज 53 साल की उम्र में जिंदा होते और मेरी सफलता को देखते तो अच्छा होता आप मत सोचिए कि आप अकेले हैं हम लोग जैसे पेरेंट्स और कई और पेरेंट्स इस देश में आपको हर रोज दुआ देते हैं आशीर्वाद देते हैं कि आप और तरक्की कीजिए और एंटरटेन कीजिए वी लव यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू सबको लगा कि पठान का चैप्टर खत्म हो गया हम ये नहीं जानते थे कि वो एक पूरी नई किताब लिख रहा था बॉलीवुड खत्म हो गया बॉलीवुड के बॉयकॉट के नारे चल ये नहीं काम कर रहा है वो नहीं काम कर रहा है एवरीबॉडी स्केयर्ड एंड कंफ्यूज्ड फिल्मों में जब लोगों पे खतरा आता है तो बचाने कौन आता है बॉलीवुड को बचाने उसका बादशाह ही आएगा ना पठान ऐसे भी फ्लॉप होने वाला है लिख के रख लीजिए किसी को हिट कराना है तो आ जाए चैलेंज लगा ले बॉयकॉट मैं नहीं देखूंगा सिनेमा हॉल में आग लगा देंगे मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा ये गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊंगा अभी बाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है आ रहा हूं पलट के मैं हूं पठान बड़ी खबर शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास
बॉलीवुड में बदले की आग है शाहरुख का। मौसम बिगड़ रहे बनाए रहा अपनी कुर्सी की बेटी मांग ले। बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड पठान फिल्म के साथ समाप्त हो गया। ऐसा हवा से थोड़ी ना हिलने वाला शाहरुख खान। द किंग इज बैक। श्रीनगर के अंदर दर्शकों बाग ये तो हाउसफुल। बॉलीवुड का कमबैक शाहरुख जी की पिक्चर से हुआ है। आज पठान ने प्रूफ कर दिया कि इसके जैसा सुपरस्टार और बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। शाहरुख खान के साथ ही कम्पीट करने वाले। ऐसा बोल दो, बोलो ना। I'm the last of the stars. Hey. Which film will cross the 100 crore mark? Does all this matter to you? It's too limiting to give a number. Why 100 crores? Make it 1000 crores. If you're going to think of 100 crore as the number of your ultimate aim, maybe a year later, we can sit down. It could be the first day collection of the next film. The only actor who has given 1000 crore in a single year, the emperor did conquer everything that people are calling him. I think is less. He's the biggest star India has ever seen. How would you like us to remember you? I don't wake up anymore in the mornings thinking how many crores my film has made. I've got everything, much more than a boy is sitting on the roundabout in Kamari Auditorium watching cars go by because his father can't afford to buy a film ticket. Can have. You can't take that away from me. If I was to explain myself, I think I would explain myself that there's an actor somewhere in India. He should be remembered for the fact who has tried and he tried very hard. You can take away the awards, the money. You can't take away the fact that I became Shah Rukh Khan. समंदर के सामने खड़े होकर शाहरुख ने कहा था, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। दिनों रात लोगों के होते होंगे मौजूदा शाहरुख, शेरों का जमाना होता है। नाम क्या है सर? डंकी। Yes, very well deserved. That's an inspiration story. Wow. Yeah. For you. That's the self-made man. Nobody made him. He made himself. Yeah. Wow. Yeah. I was very touched because of the story of his parents. Yeah. Losing parents, it's very difficult, but losing parents at his age and in a short amount of time. Yeah, and being alone and have to, you know, make ends meet alone. Yeah. Because Sonia and I, we are what we are today because of our parents. They stood there strong and we must thank them. It's sad that they don't are here anymore. It's very difficult because it's parents. I think he's an awesome man and wow, very well deserved the tribute. He never stopped, he never gave up. Maybe he was dying inside, but he always got up. In the beginning, just, you know, like it's a need. He needed to eat, he needed to work, but then it became a vocation from him, a calling. I think this is awesome. Wow, he's awesome. So we love this a lot. Hope you like it all. See you next time.